हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज का वीडियो बहुत ही अलग है क्योंकि आज मैं एक अमेज़ॉन प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट है प्लास्टिक फोर लेयर मल्टीपर्पज़ ड्रावर सिस्टम ऑर्गेनाइज़र। गाइस, ये प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को भी अपनी छोटी मोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम होती है और आप कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपको इस रिव्यू से हेल्प मिल सके। ये पूरा फुल डिटेल वीडियो है और इसमें मैं आपको प्राइस डायमेंशन सब बताऊंगी। और ये आप देख रहे हैं, इसका लुक आप देख रहे हैं कितना अच्छा ग्लॉसी लुक है। इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है और ये मुझे असेंबल्ड मिला था। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स। अगर आपको ये आइटम परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक आपको डायरेक्ट पेज पे ले जाएगी जिससे आप ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत ही हैंडी है। सिर्फ 50 ग्राम्स इसका जो है वज़न है, वेट है। और आप ये देख रहे हैं, इसमें ऊपर एक इस तरह से कंपार्टमेंट दिया हुआ है जो कि बंद हो जाता है। ये मुझे सबसे ज़्यादा इसमें ये चीज़ पसंद आई है और इसमें छोटे छोटे यहाँ पे कंपार्टमेंट और दिए हैं। ये इस तरह के मुझे बॉक्स में आया था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और ये तीन कलर्स में आता है, इस तरह के ग्रे कलर में आता है तो मुझे ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आया ये कलर। और एक कलर आता है इसमें ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर, और ये डार्क ब्राउन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ये परचेज़ किया। ये बहुत अच्छी पैकिंग में आता है, लीज़ा कंपनी का है तो ये आप देख ही सकते हैं। और इसके सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जो कि क्लोज भी हो जाता है तो इसमें भी काफ़ी स्पेस है। और इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली, बहुत ही ग्लॉसी लुक में है ये, छोटा सा हैंडी। और इसमें भी यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, अपनी कीज़ वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल के चार्जर रख सकते हैं आप इसमें। और ये फोर ड्रावर हैं इसमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, काफ़ी स्पेस है इसमें रखने के लिए और बहुत अच्छा, अंदर की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, अंदर भी बहुत ग्लॉसी लुक है, बहुत स्पेशियस है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने इसमें क्या क्या कैसे कैसे अरेंज किया है। इनमें आप अपनी कटलरी भी रख सकते हैं या छोटे बाउल्स वगैरह भी रख सकते हैं, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, या बच्चों के जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं वो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, पेंसिल रबर और पेन वगैरह होते हैं, स्टेपलर सीज़र वगैरह, इस तरह की चीज़ें कलर्स हैं, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा आइटम है। और अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशंस की तो 37 सेंटीमीटर्स इसकी हाइट है, 21x17 सेंटीमीटर्स इसकी चौड़ाई है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये ड्रावर जो हैं बहुत ही लाइट हैं और ये आसानी से खुल बंद हो जाएंगी, टाइट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाहर निकल आएंगी। ये देखिए कितने आराम से इसको हम जो है पुश और पुल कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें क्या क्या रखा हुआ है, किस तरह ऑर्गेनाइज किया है मैंने। मैंने इसमें एक तरफ अपना डेटा केबल रखा है, चार्जर उसका केबल रखा है, और ये मैंने पावर बैंक इधर रखा है और कॉम अपना, और इस कंपार्टमेंट में मैंने अपनी डेली यूज़ की मेडिसिन्स रखी हैं, और ये ईयरपॉड भी मैंने इसी में रखा है, ये रिमोट है छोटा सा, और ये ईयरफोन्स भी इसी में एडजस्ट हो गए हैं। इसमें अभी काफ़ी जगह है, और भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, और भी मेरे मेडिसिंस वगैरह या और भी कुछ चीज़ें ऐसी छोटी मोटी इसमें आ सकती हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही रखा है इसमें। और इस कंपार्टमेंट में जो पहला वाला कंपार्टमेंट में इसमें दो फ़ोन रखे हैं मैंने, एक मेरा टैब है, देखिए 7 इंच का ये टैब है, 7 to 8 इंच का, ये आराम से इसमें आ गया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा खासा स्पेशियस है।
और मैंने इस वाली नेक्स्ट ड्रॉर में मैंने कुछ टिश्यू पेपर्स रखे हैं, अपने स्पेक्टिकल्स, क्लच और बैंड वगैरह रखे हैं इसमें। अभी भी इसमें काफ़ी जगह बाकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड ड्रॉर में मैंने कुछ इस तरह से अपनी जो डेली यूज़ की क्रीम्स वगैरह हैं वो यहाँ पर एडजस्ट करी हैं। और लास्ट में मैंने छोटा सा मिरर रखा है, अपने क्लचेस रखे हैं, सीज़र वगैरह, और इसके बाद भी इसमें काफ़ी जगह अभी बाकी है, काफ़ी कुछ अभी इसमें और रखा जा सकता है। तो और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पावर बैंक तो आप जानते ही हैं बहुत हैवी होता है, इसलिए मैंने इसे जानबूझ के इसमें रखा ताकि चेक करने के लिए कि इसमें कुछ इस पर प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ऑर्गेनाइज़र में या टूट तो नहीं जाएगा, लेकिन बहुत आराम से ये इसे एडजस्ट हो गया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल आइटम है और मैं इसको बैठ के साइड में रखूँगी, और आप इसको कहीं भी किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बच्चों की स्टेशनरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ है और बहुत छोटा सा है, ज़्यादा जगह भी नहीं ये घेरता है, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ट्राई ज़रूर करें। इसका जहाँ तक प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 679 रुपीज़, और डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो आप इसको बहुत आराम से परचेज कर सकते हैं, कॉस्टली भी नहीं है ये। फ्रेंड्स मैं फिर से बता दूं, परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको लगता है ये आइटम आपके लिए यूज़फुल होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करें और डायरेक्ट पेज पे पहुंच जाएगा अमेज़ॉन के, और आप वहां से आराम से परचेज कर सकते हैं। मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।